सच के साथ। कांग्रेस अपना यूपी मिशन 2022 प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलाएगी। रविवार को वाराणसी आए कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह बात कही। हालांकि प्रियंका के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली, कहा कि यह आला कमान ही तय करेगा। सलमान खुर्शीद ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे से लेकर स्मृति ईरानी पर भी बात की, मगर पंडित कमलापति त्रिपाठी के पर पोते ललितेश पति त्रिपाठी के इस्तीफे पर बोलने से बचे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी हाई कमान ललितेश के संपर्क में है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी के लिए वाराणसी आए सलमान खुर्शीद ने प्रियंका गांधी के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया। कहा कि वह कांग्रेस के मिशन यूपी के अगुवा है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस यूपी विजन करेगी। चुनाव लड़ने का फैसला आला कमान का होगा। सपा या दूसरी पार्टियों से गठबंधन के कयासों को भी खुर्शीद ने खारिज कर दिया। कहा कि अगर गठबंधन की बात अंदर खाने में भी होती है तो घोषणा पत्र के लिए सभी जिले और इलाकों में वह यात्रा न कर रहे होते। पार्टी में अंदरूनी कलह के सवाल को सलमान खुर्शीद ने घर की बात कहकर टाल दी। सलमान खुर्शीद ने पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह के सवाल पर कहा कि पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी। खुर्शीद ने स्मृति ईरानी के अमेठी के विकास के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वह अब भी यह क्यों बताना चाह रही हैं कि उन्होंने चुनाव जीता है, अब वह क्षेत्र की नेता हैं और विकास करने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस छोड़ के छोड़े तो नहीं है, उन्होंने रेजिग्नेशन अपने पद से दिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन मुझे यही बताया गया है कि हमारा नेतृत्व उनसे चर्चा में है, उनसे बातचीत करेगा। और ललितेश पर हम सबको बड़ा गर्व रहा है, उस परिवार पे बड़ा मेरा अपना विशेष संबंध रहा है। मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि अगर जो भी कुंठा है वो दूर होगी और वो मजबूती के साथ कांग्रेस से जुड़े रहे। जो हाल यूपी में है और जो सामने दिख रहा है और जो लोगों पर गुजर रही है, उसको मैं मानता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड में हर जगह शून्य भी लगाना बहुत कठिन होगा, हर जगह माइनस में जाना पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और क्या कांग्रेस की जो तैयारियां चल रही हैं यूपी में, वो बहुत सारे लेवल्स पे चल रही हैं। हम कांग्रेस का एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करने के यहाँ आए हैं। हम हर जगह जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोग बड़ी यात्राओं करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े और कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हर स्तर पर काम चल रहा है और चलता रहेगा। हमको उजागर, बहुत जल्द हम उजागर करेंगे। सच के साथ।